अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। राजेंद्र नगर जोन DCP और राजेंद्र नगर जोन ACP ने मिलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट के दायरे अख्तियार के तहत वाक़ वाइट बिल्डिंग एरिया में 15 कम्युनिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया और दीगर कैमरों को बहाल करवाया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। అప్పుడు మీరు లబోదిగో అంటే వాడు దొరకడు, వాడు ఎక్కడో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి భారతదేశంలో కానీ బయట దేశాల నుంచి కూడా ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతా ఉంది। राजीव गुहकल्पा एरिया में सीसी कैमरास कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर जो सीसी कैमरास इनाग्रेशन करे हैं, 10 दिन के पहले हम यहाँ पूरा बस्तियों में फिर के यहाँ पर कुछ दिन अफेंस भी हुए, उसका प्रिवेंट करने के लिए ये लोगों से गुजारिश करे हैं। ये कैमरास थोड़ा लगाए सो काम नहीं कर रहा था, वो लोग वो कैमरास को ठीक करते हुए और नया 15 कैमरास लगाए, पूरा मिला के जुमला अभी 20 कैमरास हुए। पूरा आप पीछे देख रहे हैं एवरीथिंग, अभी जो भी ऑफेंस होता खबर होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये पिंक बिल्डिंग में भी आने वाले दिन में हम के सीसी कैमरास लगाने के लिए कोशिश में है, वो भी वहाँ पर भी लगा लेके जो भी ये हैदराबाद चंद्रनगुट्टा की बॉर्डर की तरफ रहता है, एक क्राइम प्रोन एरिया है और जो लेडीज़ के ऊपर टीजिंग होता है, नहीं तो स्नैचिंग केसेस होने का और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी होते रहते हैं यहाँ पर, जब माइग्रेंट लेबर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जो भी ये आइसोलेटेड एरिया वैसा दिखता है, ये पल्लेचरों के बाजू में रहता अपने, वो पूरा देख के नज़र में नज़रअंदाज में रखते हुए ये सीसी के कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल करें। अब मैं सारी ये जनता से गुजारिश है, वो लोगों छोटा छोटा बच्चे भी उसके ऊपर पत्थर मारना, ऐसा कट करना इसके पहले हुए हैं, ऐसा हुए तो हम ये बड़ा लोगों से गुजारिश है वो प्रोटेक्ट करना, वो लोगों का फर्ज भी है, हम भी ऐसा कोई करे तो वो लोगों के ऊपर कानून के हिसाब से एक्शन। सर ये पूरे नाइट विजन क्या है? पूरा नाइट में आ जाता, डे में। सर ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए भी कुछ बोल रहे थे? यही मौके पर हम लोग ये पब्लिक को थोड़ा सेंसिटाइज कर रहे हैं, ये जो साइबर क्राइम्स अभी ज़्यादा हो रहे हैं, फोनों में पेमेंट्स करने के लिए ये लोग फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा तजुर्बा नहीं रहता है, ये लोग फ़ोन ऑपरेट करने का इशू में तजुर्बा नहीं रहता है, वो तजुर्बा नहीं रहने से वजह से जो टारगेट करते हैं ये साइबर ऑफेंडर जो रहते हैं, ऐसा गिफ्ट आया, ऐसा कार आया, बाइक आया, पैसा लगाओ 5,000 दिए तो आपको बाइक आ जाता, आपको ये ऑयल एक्स फ्रॉड हो रहा है, अभी ये बेचने का है सस्ते में 10 रुपये में बेचने का है, बोल तो ये लोगों को आशंका वो रहता है अगर 10 रुपये में पेमेंट करे तो इसमें आ जाता बोलते। सो यही इसमें वो ऐसा ऑफेंसों में ये लोगों से जरा फोन ऑपरेट करते को ये याद रखना चाहिए, हमारा पैसा चले जाता है। इसी हाल पे कौन सा भी आदमी कॉल करे तो वो लोगों का सीक्रेट नंबर जो भी रहता कोड वो बोलना नहीं, वो सीक्रेट रखना ही रखना है, इसलिए सबको सेंसिटाइज कर रहे हैं, यहीं पर मीटिंग लगा रहे हैं, हम जनता को भी सेंसिटाइज करें तो ये ऑफेंसेस कम।